नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता, जो हम आज मेथी से बनाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, आज हम हरी मेथी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया, उसमें मैंने 4 चम्मच सूजी के डाल दिए। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब। जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब। नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने बीज निकालकर 2 हरी मिर्च लिए, जिसको बारीक काट लिया है। अब हम इसके अंदर 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप 4 से 5 काली मिर्च कूटकर भी डाल सकते हैं। अब हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ही इस मिक्सचर को डाल लेंगे, क्योंकि वो बाउल जो है वो छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने बड़ा बाउल लिया। मैंने 1 बंच मेथी ली है, जिसको मैंने बारीक काट कर धोकर अच्छे से साफ कर लिया है, वो भी डाल देंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। घोल हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बना लेंगे। ये जो आज हम मेथी का नाश्ता बना रहे हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी भी है और बाहर से कुरकुरा और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। ये बनाने में भी बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी बना सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट बाद देखिए, ये बैटर जो है गाढ़ा हो गया है। अब 2 पिंच के करीब हम इसके अंदर खाने वाला सोडा डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नाश्ता जो है वो खराब बनेगा। देखिए फ्रेंड, हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करना रख दिया था। तेल हमारा गरम हो गया है, हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। अब हम इसमें हाथ से छोटे छोटे पकोड़े के जैसे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा गला खराब है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने कढ़ाई में आए उतने ही डालने, हमें ज़्यादा नहीं डालने। इसे आप मेथी के पकोड़े भी कह सकते हैं या मेथी के कोफ्ते भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। देखिए, ये ऊपर आ गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, खाने में उतने ही टेस्टी है, क्योंकि ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। मेथी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमें इससे ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इनका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सभी भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी उलट पलट कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भी हम उसी तरह फ्राई कर लेंगे जिस तरह हमने पहले वाले करे थे। कोफ्ते छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी है। गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने सभी फ्राई कर लिए। इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़क देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो छिड़के, नहीं तो ना छिड़के। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसे आप हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, मीठी चटनी के साथ, जैसे चाहे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरह से कोफ्ते ज़रूर बनाएं। मेथी के ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।